डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी फर्स्ट पोएम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसे सर हेनरी वाटन ने लिखा है, उसका अध्ययन करेंगे। सर हेनरी वाटन का जन्म 1568 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1639 में हुई थी। सर हेनरी वाटन एक प्रसिद्ध आलोचक एवं विद्वान हैं। 17वीं शताब्दी के उनकी शिक्षा वेस्टमिंस्टर क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड और मिडिल टेंपल में हुई थी। वह वेनिस के कोर्ट में राजदूत के रूप में रहे। 1604 से लेकर के 1624 तक उन्होंने विभिन्न राजनीतिक कार्यों में भाग लिया। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ उनकी एक उदात्त रचना है। करेक्टर, ये शॉर्ट फॉर्म है करेक्टरिस्टिक का। करेक्टरिस्टिक मीन्स होता है विशेषताएं। ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑफ ए हैप्पी, हैप्पी प्रसन्न सुखी लाइफ, जीवन की सुखी जीवन की विशेषताएं। कैसे व्यक्ति सुखी रह सकता है, अपने आप को खुश बना सकता है, अपने आप को प्रसन्न बना सकता है, ये इसमें बताने का किया गया है, बताया गया है इस पोएम में। आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वार्डन जी कहते हैं, हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न। इज ही यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए कहा गया, कोई व्यक्ति हो सकता है। बॉर्न जन्म लेने से और टाट अथवा शिक्षित होने से। हाउ को नरेशन में जब हम चेंज करते हैं तो वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं हाउ या व्हाट को, तो हाउ हैप्पी मतलब अत्यधिक प्रसन्न व्यक्ति कैसे बन सकता है, अत्यधिक सुखी व्यक्ति कैसे हो सकता है, किसी उच्च कुल में जन्म लेने से। बॉर्न, बॉर्न मतलब है ऊँचे कुल में पैदा होना, टाट शिक्षित होना। तो कोई व्यक्ति शिक्षित होने से अथवा उच्च कुल में जन्म लेने से प्रसन्न हो सकता है। वार्टन कहता है नहीं, किसी उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं, वो व्यक्ति सुखी होगा, प्रसन्न होगा। और शिक्षित व्यक्ति वो अभी अनेक चिंताओं से ग्रस्त रहता है तो अभी प्रसन्न नहीं रहता। फिर कौन प्रसन्न रहता है, अगली पंक्ति में बताया है, दैट सर्वेथ नॉट। 16वीं सेंचुरी की अंग्रेजी है। सर्वेथ, सर्वेथ का मतलब सर्ज, जो आजकल हम लोग क्रिया को वचन बनाने के लिए एस आई एस का प्रयोग करते हैं, एस या आई एस का, तो उस समय टी एच और ई टी एच का प्रयोग किया था क्रिया को एक वचन बनाने के लिए। तो यह राइटर ने लिखा दैट सर्वेथ नॉट, जो सेवा नहीं करता है। अदर्स विल, किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है वह व्यक्ति ही प्रसन्न होता है। द मैन हु डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स विल इज ए हैप्पी मैन। नेक्स्ट लाइन देखें, हुज आर्मर, आर्मर मीन्स होता है कवच, जिस व्यक्ति का कवच इज होते हैं हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, नेक, शुद्ध थॉट, विचार। जिस व्यक्ति का कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं, नेक विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारणतया सत्य बोलना, सरल सत्य बोलना एक प्रसन्न व्यक्ति की, सुखी व्यक्ति की हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल सबसे बड़ी कुशलता, सबसे बड़ी दक्षता। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है, सबसे बड़ी दक्षता होती है कि वो साधारणतः सत्य बोलता है। अगला पैसेज इंपॉर्टेंट है, हूज पैसंस नॉट हिज मास्टर आर। तो पैसन मीन्स संवेग, पैसन को हम हिंदी में कहते हैं संवेग, काम क्रोध लोभ मोह। तो जिस व्यक्ति के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह
उसका मालिक बना नहीं बैठा है। मास्टर मींस होता मालिक। तो जिस व्यक्ति का मालिक काम क्रोध लोभ मोह नहीं है वह व्यक्ति ही प्रसन्न होता है। अब मान लीजिए आप चौराहे पे खड़े थे, आपको क्रोध आ गया और आपने सामने वाले को एक दिया और उसने भी आपको घुमा कर दिया, तो क्या आप उसमें प्रसन्न होंगे अथवा दुखी होंगे? तो संवेग अगर आप पर हावी है, संवेग अगर आपका मालिक बना बैठा है, तो आप प्रसन्न नहीं हो सकते। अगली पंक्ति देखें, हूज सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल, स्टिल मीन्स सदैव, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, तैयार रहती हो फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति सुखी होता है जो सदैव तैयार रहता है मरने के लिए, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। अद्यैव मरणम, चाहे आज मरना हो या कल मरना हो, युगांतरे वा या एक युग के बाद में मरना हो, वो सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है, मृत्यु से भयभीत नहीं होता। और जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता रहेगा वह कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। अनटाइड, टाई मीन्स बांधना होता है, अनटाई बंधा हुआ न हो अर्थात मुक्त हो, किससे? अनटू द वर्ल्ड, संसार से, जो संसार से मुक्त हो, और किससे? विद केयर, केयर सांसारिक चिंताएं, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त व्यक्ति है वह व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त है वह व्यक्ति ही प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति ही सुखी होता है। किस प्रकार की चिंताएं? आगे क्लियर करता है, और प्रिंसली लव, राजकुमारों के समान प्रेम करने की इच्छा रखना। बहुत से लोग देखते हैं मूवीज में, आप लोग भी देखते होंगे, 3 मंजिल से कूदे और अपनी प्रेमिका को बचा लिया। आप भी सोचने लगे हम 2 मंजिल से कूद जाएं तो क्या होगा? आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो प्रिंसली लव, राजकुमारों के समान प्रेम की इच्छा रखना, और वल्गर ब्रेथ, वल्गर ब्रेथ बुरे लोगों द्वारा फैलाया जाने वाला अपयश। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में अपयश फैला रहा है तब भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते, तब भी आप सुखी नहीं रह सकते। ये वाटन का मत है, वाटन का विचार है। अगला पैसेज, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हु हैथ, जो रखता है हिज लाइफ, अपना जीवन, फ्रॉम र्यूमर्स, अफवाहों से, फ्री माने स्वतंत्र, मुक्त। जो व्यक्ति अपना जिस व्यक्ति का अपना जीवन अफवाहों से मुक्त है वह व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है। द मैन हु हैज हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स इज ए हैप्पी मैन। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा इज है हिज, उसकी स्ट्रांग, सबसे मजबूत, रिट्रीट में शरण स्थल होता है। जिसकी अंतरात्मा उसका सबसे मजबूत शरण स्थल है वह व्यक्ति ही प्रसन्न होता है, सुखी होता है। जो अपनी, दूसरे अर्थों शब्दों में कहें, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की शरण लेता है, अंतरात्मा के कहने को मानता है, जो अंतरात्मा उसकी कहती है वही कार्य करता है, वह व्यक्ति ही प्रसन्न होता है। यदि हम किसी दूसरे की शरण लेंगे तो कितने दिन शरण देगा हमें? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद में कहेगा बहुत हो गया, अब आप कहीं और देखिए। तो जो अपनी अंतरात्मा की शरण लेता है वह व्यक्ति ही प्रसन्न होता है, सुखी होता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लटर्स फीड, हुज स्टेट, जिसकी शान कैन नीदर फ्लटर्स, फ्लटर्स मीन्स होता चापलूस, जिसकी शान को चापलूसों के द्वारा फीड नहीं किया जा रहा हो, फीड मीन्स यहाँ पर बढ़ाना। आप कंप्यूटर विद्यार्थी, आपको पता होगा, फीडिंग करते होंगे आप लोग कंप्यूटर में, तो यहाँ बढ़ाना, तो जिसकी शान को, जिसकी पोजीशन को चापलूसों के द्वारा बढ़ाया जाता न हो वह व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है। अगली पंक्ति देखें, ना रुइन और नहीं उसका पतन, रुइन मीन्स पतन, छह नष्ट करना, मेक अपोजर्स किया जा रहा हो किसके द्वारा, अपोजर्स ग्रेट, क्रूर शोषकों के द्वारा, अपोजर्स शोषक होते हैं, ग्रेट बड़े, यानी क्रूर शोषकों के द्वारा जिसका शोषण किया रहा हो। यदि कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है तो आप प्रसन्न कभी भी नहीं रह सकते। तो जिसका शोषण किसी व्यक्ति के द्वारा न किया रहा हो वह व्यक्ति ही प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति ही सुखी होता है। अगला पैसेज इंपॉर्टेंट है,
तो ये इंपॉर्टेंट पैसेज है अगला, ना रुइन हु इनवियस नन, यहां से इंपॉर्टेंट है हु इनवियस नन, इनवियस होता है ईर्ष्या करना, नन किसी से नहीं, जो किसी से ईर्ष्या न करता हो, जो किसी से, वह व्यक्ति जो किसी से ईर्ष्या न करता हो और ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल न करता हो, हुम जिसे, चांस डथ रेज, चांस भाग्य अवसर कह सकते हैं आप इसको, डथ रेज, रेज में से उठाना, जो अपने भाग्य से ऊपर उठ गया हो, जो अवसर प्राप्त करके ऊपर उठ गया हो, उस व्यक्ति से ईर्ष्या न करता हो। अरे किसी का भाग किसी ने साथ दे दिया और वह आपसे आगे निकल गया, आप उससे ईर्ष्या करेंगे तो आप सुखी नहीं रह सकेंगे। जो भाग्य से ऊपर उठ गया हो, नार वाइस, वाइस मीन्स बुरे कार्य, पाप करते, अथवा बुरे कार्य करके कोई ऊपर उठ गया हो, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल ईर्ष्या न करता हो, वह व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है, वह व्यक्ति ही सुखी होता है, वह व्यक्ति ही हैप्पी मैन होता है। हु नेवर अंडरस्टूड, नेवर कभी नहीं, जो कभी नहीं समझता हो, क्या ना समझता हो, जो इस बात को भली भांत समझता हो, क्या, हाउ डीपेस्ट वुंड्स, कितने डीपेस्ट में गहरे उंड में घाव, आर गिवेन, जो इस बात को भली भांत समझता हो कि कितने गहरे घाव आर गिवेन दिए जाते हैं विपरीत प्रशंसा के द्वारा, चापलूसी के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा आपको कितने गहरे घाव दिए जाते हैं आप समझते होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कोई प्रशंसा करने आ जाता है, प्रशंसा करता है, अरे राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, समझ लीजिए किसी काम से आया, इसका कोई मतलब है, शायद ये नोट्स आपसे मांगना चाहता है, तो प्रशंसा करने वालों से सदैव सावधान रहें, क्यों, प्रशंसा करने वाले आपके, चापलूसी करने वाले आपके मुँह पर तो आपकी चापलूसी करते हैं और बाद में आपकी बुराई करते हैं। तो जो प्रशंसा के द्वारा दिए गए घावों से अपने आप को दूर रखता हो, प्रशंसा में न फंसता हो, प्रशंसा के जाल में न फंसता हो, और अगली पंक्ति देखें, कहते हैं ना रूल्स ऑफ स्टेट, ना रूल्स ऑफ स्टेट टू, रूल्स माने नियम, कानून, ऑफ स्टेट राज्य के, भले ही व्यक्ति, वह व्यक्ति राज्य के नियमों को न मानता हो, बट लेकिन रूल्स ऑफ गुड, रूल्स नियमों को मानता हो, कौन से नियम, ऑफ गुड, अच्छे होने के, अच्छे बनने के, जो अच्छाई के नियमों को मानता हो, अच्छे बनने के नियमों को मानता हो, भले वह राज्य के नियमों को न मानता हो, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। तो पैसेज इंपॉर्टेंट था, इसके आगे जो दो पैसेज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, दोनों ही पैसेज इंपॉर्टेंट हैं। देखें, हु डज, हु गॉड डथ, हु गॉड, जो ईश्वर की डथ, डथ मीन्स डज करता हो, जो ईश्वर की करता हो, लेट, देर से, एंड अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी, प्रे, प्रार्थना करता हो, जो ईश्वर की देर से और जल्दी प्रार्थना करता हो, इसका मतलब क्या हुआ भैया, तो कहता है देर से प्रार्थना कर लो या जल्दी से प्रार्थना कर लो, देर से और जल्दी से प्रार्थना करना मतलब क्या कहना चाहता है वाटन, यहां पर कभी कहना चाहता है ऐसा व्यक्ति जब उसको जब कभी अवसर मिल जाए, लेट एंड अर्ली का मतलब है व्हेन एवर ही फाइंड्स टाइम ही प्रेज टू गॉड, वह व्यक्ति जब कभी उसे अवसर मिल जाए वह ईश्वर की प्रार्थना करता हो, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, सुखी होता है। क्यों प्रार्थना करता हो, अब प्रे तो लोग, बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए करता हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी प्रे करता हो, देन गिफ्ट्स टू लेंड, बदले में कोई उपहार, गिफ्ट मीन्स उपहार, टू लेंड बदले में प्राप्त करना चाहता हो, इसलिए करता हो तो दुखी रहेगा। हम देखते हैं बहुत से विद्यार्थी, बहुत से परीक्षार्थी, जब परीक्षा का समय होता है तो वो
जो भी देवता उनको रास्ते में दिखता है उनको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़ा भारी का तिलक लगाते हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि ये आपके देवता आपके सुनते नहीं होंगे, लेकिन आपसे पहले करोड़ों एप्लीकेशन उनके पास लगी होंगी। हो सकता है आप सबकी फाइल निपटाते आप तक जब पहुँचें तब तक आपका रिजल्ट निकल गया हो। जैसे हमने बहुतों को सुना है बजरंगबली बाबा हे मोठे रानी मैया, अब किस 80% नंबर आ जाए ईट चढ़ाई, तो ये हो सकता है कि मैं नहीं कहता हूँ वो काम नहीं करते, देवता लोग सुनते तो सबकी हैं। हो सकता है उनके पास पहले से करोड़ों फाइलें लगी हों, उनका काम करते करते जब तक आपका नंबर आए बोर्ड वाले रिजल्ट डिक्लेयर कर दें और आप उतने नंबर ना पाएँ। तो बदले में उपहार प्राप्त करने के लिए, बदले में कोई गिफ्ट प्राप्त करने के लिए आप प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको कष्ट प्राप्त होता है, आप प्रसन्न नहीं रहते। अगली पंक्ति देखें, बहुत ही शानदार लिखी है। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन मीन्स वैसे मनोरंजन करना होता है, यहाँ व्यतीत करना, पासेज द हार्मलेस डे, हार्मलेस हानिरहित डे दिन को, जो व्यक्ति हानिरहित दिन को व्यतीत करता है किसके साथ, विद मीन्स साथ, ए वेल चूजन एक अच्छे चुनी हुई बुक पुस्तक के साथ में, और फ्रेंड अथवा अच्छे चुने हुए मित्र के साथ में हानिरहित दिन को व्यतीत करता है, वह व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक के साथ अथवा अच्छे चुने हुए मित्र के साथ में हानिरहित दिन को व्यतीत करता है, वह व्यक्ति ही प्रसन्न होता है। लास्ट पैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन, यह व्यक्ति इज फ्री, फ्री में स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड। सर्वाइल बैंड दासता के बंधन, दासता के बंधनों से मुक्त होता है। यह ऐसा व्यक्ति दासता के बंधनों से मुक्त होता है, और दासता के बंधन क्या है, आप होप टू राइज, होप टू राइज, ऊपर उठने की अभिलाषा सभी के अंदर होती है, ऊपर उठने की इच्छा, और फियर टू फॉल, फियर, फियर मीन्स भय, टू फॉल नीचे गिरने का, ऊपर उठने की अभिलाषा अथवा नीचे गिरने का भय जिस व्यक्ति को होगा वह प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि आप ऊपर उठने की अभिलाषा रखते हैं तो आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अथवा आप नीचे गिरने का भय आपके अंदर है कि जहाँ जो हमारा स्तर है उससे कि हम नीचे ना पहुँच जाएँ, तब भी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप अधिक मेहनत करेंगे तो आप उतना प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। देखिए इस पंक्ति में आगजी मोरोन विरोधाभासी अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक तरफ तो बात करता है कवि राइज, आप होप टू राइज, ऊपर उठने की अभिलाषा, फिर दूसरी तरफ बात करता है फियर टू फॉल, नीचे गिरने का भय। एक तरह ऊपर उठने की बात करता है, दूसरी तरफ नीचे गिरने की बात करता है, इसलिए इस पंक्ति में आगजी मरण अलंकार है। अगली पंक्ति देखें, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, लॉर्ड स्वामी होता है, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का। ऐसा व्यक्ति लॉर्ड होता है, मालिक होता है, स्वामी होता है, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का। दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड में भूमि, यद्यपि वह भू स्वामी नहीं होता है, भूमि का मालिक नहीं होता, लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है। यहां भी आप देखें इस पंक्ति में एक तरफ कहता है कि लॉर्ड, दूसरी तरफ बताता है नॉट ऑफ लैंड्स। यहां भी आगजी मोरन अलंकार है, विरोधाभासी बात कही गई है, और अगली पंक्ति में भी आगजी मोरन है। देखें कैसे, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ नहीं रखते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। एक तरफ कह रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर कहता है दूसरी तरफ ही हैथ ऑल, वह सब कुछ रखता है। ऐसा व्यक्ति यदि उसके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी उसके पास सब कुछ होता है, वो सब कुछ क्या है, वह सब कुछ है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, संतोष। यदि किसी व्यक्ति के पास संतोष है तो वह सब कुछ रखता है, उसके पास सब कुछ होता है। क्योंकि हिंदी में भी कहा गया है, एज इट इज सेड इन हिंदी, गोधन गजधन वाजधन औरतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गायों का धन, गजधन हाथियों का धन,
वाज धन घोड़ों का धन, यानी कई घोड़े हों आपके पास, कई गायें हों आपके पास, गोधन गजधन वाज धन और रतन धन खान, और आपके पास हीरे मोती हों। जब आवे संतोष धन, जब आपके पास संतोष रूपी धन आता है, संतुष्ट रूपी धन आता है, सब धन धूल समान, ऊपर जितने भी धन बताए गए हैं उपरोक्त सारे कैसे हो जाते हैं, धूल के समान लगते हैं। तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है, इसीलिए कहा है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग कुछ नहीं रखते हुए ही हैथ ऑल, वह सब कुछ रखता है। संस्कृत में भी कहा गया संतोषम परमम सुखम। तो ये आपकी फर्स्ट पोएम जिसे हेनरी वाटन ने लिखा था, ये पोएम पूरी पोएम 6 स्टेंजा में है और इसकी राइम स्कीम ABAB क्वार्टेन में है, 6 स्टेंजा है क्वार्टेन है, चार चार पंक्तियों के राइम स्कीम ABAB CDCD EFEF GHGH ये राइम स्कीम है इस स्टेंजा की। और सबसे उच्च कोटि की विचार, उच्च कोटि की भावना इसमें बताई गई है, क्योंकि प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, जो भी कार्य वह करता है अपने आप को सुखी बनाने के लिए करता है, और उस पर सर हेनरी वाटन ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये आपकी कविता यहाँ पूर्ण होती है।